अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के सामने ये कुन्ना की रेसिपी लेके आई हूँ। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। सिंपल रेसिपी है, इसमें कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स नहीं है जिसके लिए आपको सोचना पड़ेगा ये कैसे बनेगा। बस आपके पास अगर गोश है तो फिर आप बाकी जो मसाले इसमें मैं डालूँगी वो सब घर में हर वक्त अवेलेबल होता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें अवेलेबल ना हो। हाँ, बस एक है कि वो हांडी की देगची में अगर अभी मतलब मट्टी की देगची में अगर आप इसको बनाएं तो ये ज़्यादा अच्छा बनता है। मैंने जब भी बनाया है इसको मट्टी की देगची में ही बनाया है। इसके मुझे कोई आइडिया नहीं है कि अगर आप नॉर्मल देगची में भी बनाएंगे तो ये ऐसे ही बनेगा या नहीं। आप नॉर्मल देगची में बना के देख लें, सालन तो मज़े का बन ही जाएगा। तो आप लोग तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और जहाँ तक वो मट्टी की देगची की बात है, तो जब आप उसको शुरू में लेके आए तो उसको आपने धो के अच्छे से पहले एक दफ़ा अच्छे से गरम कर लेना है और उसके बाद फिर आपने यूज़ करना है उसको एक दफ़ा, ताकि वो कहीं टूटी हुई तो नहीं है, कहीं से क्रैक तो नहीं है, कोई लीकेज तो नहीं है उसमें, जिसकी वजह से आपने उसको एक दफ़ा अच्छे से गरम कर लेना है। चाहे तो बेशक पानी डाल के गरम कर लें और फिर उसके बाद उसको आपने यूज़ करना है। तो चलिए आइए हम लोग मिलकर देखते हैं कि कुन्ना कैसे बनेगा। ये मिट्टी की हांडी ली है, इसमें सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ऑयल तकरीबन 3/4 कप के करीब डालेंगे। और इसका चूल्हा जलाएंगे। चूल्हा जलाने के बाद ये मैंने इसमें मटन लिया है 1 किलो के करीब। आप अपने हिसाब से जितना ज़्यादा बनाना चाहें उतनी ज़्यादा क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो मैं जो अभी आपको सारे मसाले बताऊंगी वो 1 kg मटन के हिसाब से बताऊंगी। और इसमें जो हम गोश यूज़ करते हैं वो दस्ती और पुट का गोश होता है, और इसके पीसेस जो हैं बड़े करवाने हैं क्योंकि ये बहुत देर तक कुक होता है। अगर आप छोटे पीसेस करवाएंगे तो ये मतलब सॉफ्ट होके उसमें ही घुल जाएगा। तो अब हमने सारी चीज़ें इसमें डाल देनी है। ये 1 किलो गोश्त के हिसाब से मैंने ये 1/4 के करीब प्याज ली है, ये डालेंगे इसमें। इसमें गोश्त डालेंगे, सब बड़े पीसेस हैं। और इसके साथ हम इसमें मसाला जो डालेंगे वो नमक है। नमक 1 किलो में मैं समझे 2 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ, बाकी फिर हम देख लेंगे। मिर्ची 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। हल्दी 1 टीस्पून। अब हमें इसको मिक्स करना है। देखिए ये गोश्त और ये प्याज अच्छे से मिक्स हो गया। इसका जो हमने ये 3 मसाला डाला है, नमक मिर्ची हल्दी, ये भी अच्छे से मिक्स हो गया है, ये भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसमें जो हम पानी डालेंगे वो लहसुन का पानी होता है। लहसुन का पानी मतलब वैसे तो यूजुअली इसमें जो साबित लहसुन होता है उसको छिलके के साथ आप उसको 1 लहसुन 4 कप पानी में डाल दें और उसको 4 से 6 घंटे के लिए छोड़ें, और उसके बाद उस पानी में लहसुन की खुशबू आ जाती है। फिर हम वही पानी जो है इसको कुन्ना को कुक करने के लिए वही गार्लिक वाटर हम यूज़ करते हैं। लेकिन अभी इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था और मैं जो है 4 घंटे पहले लहसुन जो है वो पानी में डालना भूल गई थी, तो मैं आपका उसका भी सब्स्टिट्यूट बता देती हूँ। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने 4 कप पानी लेके उसमें ये
चार टी स्पून के करीब इसमें पिसा हुआ लहसुन डाल दिया है। तो अब देखें ये भी जो है ये लहसुन का पानी बन गया है, पिसा हुआ लहसुन 4 कप पानी में डाल के मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया है। अब मैं यही पानी इसमें डाल दूंगी और इसमें ही ये कुक होके तैयार हो जाएगा। इसको आप मिट्टी की हांडी में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं है तो फिर आप नॉर्मल देगची में बना लें। मैंने कभी नॉर्मल देगची में बनाया नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं है, हो सकता है इसी तरह का हो या थोड़ा सा कुछ फर्क लगे। बस अब हमने इसको कवर करना है और मीडियम पहले बॉईल होने देंगे, और जैसे ही ये बॉईल स्टार्ट हो जाएगा हम इसकी मीडियम फ्लेम कर देंगे, जिसमें ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा। जब ये हाफ कुक फिर हम अगला स्टेप लेंगे। अभी हम इसको अब कुछ नहीं करेंगे और इसको कवर करके इसको कुक करने के लिए छोड़ देंगे। बस ये जैसे ही बॉईल होगा हम इसको फ्लेम भी स्लो कर देंगे। अब ये बॉईल हो गया है, हम इसका चूल्हा स्लो कर देंगे। अब ये कुन्ना को पकते हुए तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। अब ये हम इसमें 4 टेबल स्पून के करीब, 3 से 4 टेबल स्पून आटा लिया है, इसको थोड़ा सा भूनेंगे और भूनने के बाद इसको पानी में मिक्स करके कुन्ना में ऐड कर देंगे। देखिए कुन्ना जो है ये पक रहा है अपना, और अब हम ये इसमें आटा भी डाल देंगे। बस ये आटा जो है ये भून गया है, अब हम इसको पानी में मिक्स करेंगे और कुन्ने में ऐड कर देंगे। देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है, अब ये ज़्यादा होगा तो ये जल जाएगा, चूल्हा बंद कर देंगे। देखिए इसमें जो हमने प्याज डाली थी वो तकरीबन अब अच्छे से मिक्स हो गई है। अब देखिए इसमें इतना नज़र भी नहीं आ रही है। ये हमने ये आटा डाल के भी इसको कम से कम 1 घंटा और पकाना है, और ये जब ये अभी ये समझे 1 घंटा तकरीबन ये पक चुका है पहले से, और ये 1 घंटे के दौरान जब ये पक रहा था तो मैं हर 10 से 15 मिनट के बाद इसको खोल के यूं मिक्स कर रही थी, जिसकी वजह से अब देखिए ये प्याज जो है इसमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है। सब हम इसमें ये आटा डाल देंगे मिक्स किया हुआ। मेक श्योर के इसमें बिल्कुल भी इस वक्त लम्स ना हो और ये अच्छे से मिक्स हो चुका हो पानी में। सब ये अगेन कुक होगा और ये 1 घंटे तक और पकेगा। अब बस यही हम करेंगे कि बस हर 10 मिनट के बाद इसको खोल के इसको ऐसे मिक्स करते जाएंगे। कवर कर देंगे और कुक होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए
जो इसमें थोड़ा सा नमक और मिर्ची कम लग रही है, मैं थोड़ी सी नमक और मिर्ची ऐड कर रही हूँ। इसमें ये थोड़ी सी मैं देगी मिर्ची भी डालती हूँ ताकि इसमें ज़रा कलर अच्छा हो जाए। और अब इसके बाद हम इसमें इसका जो एक ख़ास इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से इसमें कुन्ने का फ्लेवर आता है, एक ख़ास खुशबू आती है, वो हम डालेंगे, और वो है ज़ीरा। ज़ीरा को आपने साबित ज़ीरा जो है, मैं आपको बताती हूँ, साबित ज़ीरा लेना है। ये देखिए ये साबित ज़ीरा है, इसको हम हाथ में लेंगे इस तरह से और इसको यूँ मसल मसल के हमने इसमें डालना है। ये इस तरह करके आप डालें तो ये जो इसकी जो खुशबू आएगी वो इसी से ही, इसमें कुन्ने की जो खुशबू आती है वो इसी ज़ीरे से ही आती है। बस आपने इस तरह से ज़ीरा लेके समझो 2 टेबलस्पून भर के आपने ज़ीरा लेना है और इस तरह से मसल के इसमें डालना है। अब इसमें कुन्ने की खुशबू आ रही है, अब हम इसको दोबारा कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि ये जो इसकी ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो भी ठीक हो जाए, और फिर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और फिर इसमें ऊपर तरी आ जाएगी। ये अब कुन्ना बिल्कुल तैयार हो गया है अच्छे से, हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ज़रा 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ेंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। 5 मिनट के लिए इसलिए छोड़ेंगे कि फिर इसमें ऊपर अच्छे से तरी आ जाएगी। चलिए अब हम चूल्हा बंद करते हैं और इसको डिश आउट करने की तैयारी करते हैं। ये 10 मिनट हो गए हैं कुन्ना को छोड़े हुए, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। देखिए अभी ऊपर तरी भी आ गई है, ये देखें अच्छी तरी आ गई है ऊपर। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पे आप इसकी ना तरी उठा के अलग कर दें और फिर जब सालन सर्व करें तो उस वक्त ये ऊपर से डाल दें, क्योंकि अक्सर ये फिर तरी दोबारा गायब हो जाती है सालन गर्म करने से। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम ये थोड़ी सी तरी भी डाल देंगे इसमें। ये देखें ये कुन्ना तैयार है। ये कुन्ना बिल्कुल तैयार है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इसको तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें। अभी मैं तंदूरी रोटी ला नहीं सकी हूँ, थोड़ी देर के बाद लेके आऊँगी, तो फिर जब हम खाना खाएंगे तो उस वक्त तंदूरी रोटी ले आएंगे, अभी तो शाम के 6 बजे हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, सबको ज़रूर पसंद आएगा। अभी ईद आ रही है, आप सब लोग इस सबके पास मतलब कुर्बानी होती है तो सबके पास वैरायटी चाहिए होती है सालन बनाने के लिए, तो आप लोग ये कुन्ना का सालन भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड फॉर फ्यूचर रेसिपीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकॉन। थैंक यू, बाय।